दोस्तों, दुनिया जिन अस्त्र शस्त्र का उपयोग करती है उनको बनाने की प्रेरणा कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों से मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत में भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था और वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण भी मिल चुका है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी रिसर्च में इस बात का खुलासा किया है कि परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल महाभारत काल में भी हो चुका है। दरअसल रॉबर्ट ने गीता और महाभारत का गहराई से अध्ययन किया था। रॉबर्ट ने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया था और उनके इस रिसर्च मिशन का नाम था ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। वर्ष 1939 से 1945 के बीच रॉबर्ट और अन्य वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च किया था और इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर निकले थे कि महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो आज के परमाणु हथियार के समान ही शक्तिशाली था। सिंधु घाटी सभ्यता पर हुई रिसर्च के मुताबिक 5000 से 7000 ईसा पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसे कई नर कंकाल मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें किसी भयंकर अस्त्र से मारा गया है। इसके अलावा यहाँ ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी काल में यहाँ अत्यधिक मात्रा में रेडिएशन पैदा हुआ था, जितना किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है।